आज जो कैबिनेट मीटिंग थी अमरुद्दौला साहब आज चेयर कर रहे थे, ऑनरेबल सीएम साहब, रूटीन मैटर्स में कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं सर्दियों को लेके, क्योंकि आगे बर्फबारी का इम्कान है, अल्लाह करे बर्फबारी हो जाए, तो एक तो ये इश्यूज रहे हैं और बाकी तो असम्बली के कम्प्लेक्स यहाँ हमारा बन रहा है 2014 में इसका काम शुरू हुआ था, काफ़ी डिले है और इसको चर्चा रही है और प्रिंसिपली कैबिनेट ने ये उसका अप्रूवल दे दिया है, जो हेड कर दिया है। बाकी रूटीन मैटर्स में कुछ चीज़ें जो हैं डिस्कस हुई हैं आपके सामने, सब चीज़ें आ जाएंगी। ऑनर एड्रेस ऑनरेबल एल जी साहब ने जो सेशन में दिया था कश्मीर में, उसकी भी चर्चा हुई है और उसको कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, तो ये सब चीज़ें हैं मेरे ख्याल में अभी आपके सामने आ जाएंगी। देखिए जो एल जी साहब ने जो गवर्नमेंट असम्बली सेशन में गवर्नर साहब ने जो एड्रेस किया था उसके उसका अप्रूवल दे दिया गया है, जो भी चीज़ें उसमें ऑनरेबल एल जी साहब ने वहाँ अपनी स्पीच में रखी हुई सब शामिल हैं। हाँ, एक इशू है, बेरोजगारी का बड़ा इशू है और इसमें तो हमारे इलेक्शन मंशूर में भी हमने कुछ चीज़ें रखी थी और वो भी ऑनरेबल सीएम साहब ने तमाम ऑनरेबल मिनिस्टर्स को टेंशन दे दी है कि अपने अपने विभाग में, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में सब चीज़ों के एक्सरसाइज शुरू करें और क्योंकि 100 डेज टारगेट में ये सब चीज़ें शामिल रहेंगी, हमारा एक महीना से ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो आने वाले 2 महीने में इंशाल्लाह ताला हम उसके कुछ चीज़ें हमारे इलेक्शन मंसूर में था उसके सामने लाएंगे, उसके काम 575 पोस्ट निकाली गई है, लेकिन हिंदी और संस्कृत में कोई भी क्या उस पर भी बात हुई था? इसके सब्जेक्ट वाइज तो बात नहीं हुई है, लेकिन जो जो पोस्टें रेफर करनी है, पीएससी को रेफर करनी है या एसएससी को रेफर करनी है, उसकी डिस्कशन हुई है और उस पर हम कोशिश करेंगे कि वो टाइम फ्रेम में वो पोस्ट जो है एडवर्टीजमेंट हो जाए और क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो पोस्टें जो है वैकेंट पड़ी हैं, इन सब चर्चा हुआ जी, जो इलेक्शन मंशूर में है उसको इन लेटर एंड सीक्रेट वो चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी और उनके ऑनरेबल सी एम साहब ने डायरेक्शन दे दी है कि जिस जिस डिपार्टमेंट में जो चीज़ें वो आती हैं जो इलेक्शन मंशूर के मुताबिक, अब तो वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बन गया।